देश के सभी 130 करोड़ देशवासियों को मेरा सादर नमस्कार। आज जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को धमकी भरे शब्दों से ये कहा कि यदि आप हमें क्लोरोक्वीन दवा उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हम आपको देख लेंगे, ये हमारी देश की स्वतंत्रता पर बहुत बड़ी चोट है। हम यदि कोरोना जैसी महामारी से नहीं डरे 130 करोड़ लोग, तो हम इस तरह से ट्रंप के धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम ट्रंप को चुनौती देते हैं कि आप विश्व की थानेदारी कर रहे थे, आप विश्व में हथियार बना करके लोगों को डराने का काम कर रहे थे, तो फिर आपने दवा क्यों नहीं बनाई? मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जो अपने आप को लौह पुरुष के नाम से प्रचारित कर रहे थे देश के अंदर, मुझे बहुत कष्ट और पीड़ा है कि आज जिस तरह से चीन में कोरोना फैला था और हम ट्रंप को हिंदुस्तान बुला करके सोने की थाली में उसको खाना खिला रहे थे, उसके लिए पलके बिछा रहे थे, उसके लिए हमने अरबों खरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए, आज वो हमें धमकी देगा। मैं तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि ट्रंप को उस ऐसी जिस तरह से ट्रंप ने इस तरह की बयानबाजी किया है, देश को धमकी दिया है, ये बहुत बड़ी चोट है, उसका जवाब दें। मुझे यह भी जानकारी हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने ट्रंप को कोई जवाब नहीं दिया अभी तक, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी कि हम ट्रंप जी आपको दवाई उपलब्ध कराएंगे। तो क्या हम ट्रंप की चुनौती से, धमकी से हम डर गए हैं? मैं तो फिर से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी आपसे मांग करता हूं कि तत्काल आप ये सौदा निरस्त करें, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, और ट्रंप को जवाब दें, नहीं तो देश की बहुत बड़ी क्षति होगी, देश की कमजोरी साबित होगी, देश मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, इसलिए तत्काल इसका जवाब देना चाहिए।